हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग एकदम बढ़िया होंगे। तो हुंडई ने फाइनली हुंडई अल्काज़ार के फेसलिफ्ट का ना लगभग सारी चीज़ें बता दी हैं। लॉन्च की बात करें तो 9 सितंबर को लॉन्च हो जाएगी हुंडई अल्काज़ार फेसलिफ्ट। आज की इस वीडियो में ना इसका कंप्लीट डिटेल बताऊंगा मैं। इंटीरियर हो गया, एक्सटीरियर हो गया, एक्सपेक्टेड प्राइस क्या होने वाली है, कितने इंजन ऑप्शन आपको यहाँ देखने मिलेंगे, कितने कलर्स ऑप्शन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, वो सारी चीज़ें मैं ना आपको यहाँ बताने वाला हूँ दोस्तों। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले वेरिएंट की बात करते हैं। इसमें टोटल 4 वेरिएंट्स आपको देखने को मिलेंगे, प्रेस्टीज, प्लैटिनम, एग्जीक्यूटिव और आपका ये सिग्नेचर। दोनों ही वेरिएंट आपको पेट्रोल और डीजल में देखने को मिलते हैं। 6 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन कहाँ कहाँ मिलती है वो सब आपको स्क्रीन पे देखने को मिलेगी। और पहले के जो 3 वेरिएंट है ना, प्रेस्टीज, प्लैटिनम और एग्जीक्यूटिव, इसमें आपको मैनुअल वाला वर्जन भी देखने को मिलेगा, लेकिन सिग्नेचर जो वर्जन होगा उसमें आपको ना मैनुअल नहीं मिलेगा, उसमें आपको ऑटोमेटिक ही मिलेगा दोस्तों। अगर इंजन की बात करी जाए तो इंजन वगैरह ना जो पहले था, सेम इंजन आपको वहाँ देखने को मिलने वाला है। 1.5 लीटर का GDI पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन। अगर पेट्रोल इंजन की बात करें तो 158 PHP की पावर, 253 न्यूटन मीटर का टॉर्क और ये आपको 6 मैनुअल और 7 DCT ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगा। और डीजल इंजन की बात करें तो 113 BHP की पावर और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ये आपको 6 मैनुअल और 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में देखने को मिलेगा दोस्तों। कलर ऑप्शंस की बात करें तो टोटल 7 मोनोटोन कलर्स और एक आपका केवल डुअल टोन कलर देखने को मिलेगा, जो एटलस व्हाइट और एबिस ब्लैक है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पे ना देख पा रहे होंगे। तो ये सारे कलर ऑप्शंस आपको अल्काज़ार में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये तो हो गए प्राइस, वेरिएंट्स, क्या क्या इंजन आपको देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर्स में आपको क्या क्या कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इसके एक्सटीरियर से। तो जो प्लेटफॉर्म है और जो डायमेंशन वगैरह है, सब कुछ आपका ओल्ड अल्काज़ार की तरह ही रहने वाला है, वहाँ पे कोई भी आपको ना चेंजेस नहीं मिलेंगे। लेकिन हेडलैम्प का सेटअप आप देख सकते हैं, लो सेट हेडलैम्प आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एच शेप्ड आपको DRLs देखने को मिलती हैं। अगर अलॉयज की बात करें तो आप देखिए, न्यू 18 इंचेस के आपको अलॉयज कट देखने को मिलेंगे, डायमंड कट है और थोड़े ना फैन लाइक पैटर्न में आपको ये देखने को मिलते हैं। रियर की अगर बात करी जाए तो आपको कनेक्टिंग टेल लाइट्स देखने को मिलती हैं, जो कि अब हुंडई लगभग अपनी हर गाड़ियों में ही दे रहा है दोस्तों। नया आपको स्पॉइलर देखने को मिलेगा, जो नीचे की आपकी स्किड प्लेट है ना, उसका डिज़ाइन एलिमेंट भी अब आपको पहले से चेंज देखने को मिलेगा दोस्तों। इन सब चीज़ों के अलावा एक नई चीज़ जो आपको अल्काज़ार में देखने को मिलेगी, वो है आपकी लेवल 2 ADAS। तो जी हाँ, क्रेटा की तरह अब आपको अल्काज़ार में भी लेवल 2 ADAS देखने को मिलेगा दोस्तों। ये तो हो गया आपका कंप्लीट एक्सटीरियर्स। अब चलते हैं गाड़ी के इंटीरियर में। एक्सटीरियर की तो आपने बहुत सारे वीडियो देख ही ली होंगी। इंटीरियर्स की बात करी जाए तो देखो, ये आपके सामने डैशबोर्ड रहा। डैशबोर्ड में आपको ना बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखेगा, लगभग सेम क्रेटा की तरह आपको ये डैशबोर्ड देखने को मिलता है। जो थोड़ा बहुत डिफरेंस मुझे नज़र आ रहा है वो है आपका कलर कॉम्बिनेशन में। यहाँ पे आपको टैन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन के साथ पूरा इंटीरियर देखने को मिलेगा दोस्तों। सबसे पहले आप नज़र मारो इसके स्टेयरिंग कॉलम पे। जो स्टेयरिंग कॉलम है एकदम सेम क्रेटा की तरह है, बस डिफरेंस आपको ये दिखेगा, जो क्रेटा में आपका सिल्वर पोर्शन था, यहाँ पे आपको प्रॉपर पियानो ब्लैक फिनिश दे दी गई है, जो कि इसके इंटीरियर के साथ ना एकदम जच रहा है दोस्तों। बाकी सारे फीचर्स जैसे कि पुश बटन, स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ये सब तो आपको कॉमन ही देखने को मिलेंगे गाइस। नेक्स्ट डिफरेंस जो मुझे यहाँ पे फिजिकली नज़र आ रहा है वो आपके ना AC के कंट्रोल्स हैं। क्रेटा जैसे ही AC के कंट्रोल्स हैं, लेकिन थोड़ी बहुत माइनर ट्विकिंग यहाँ पे करी गई है। थोड़ा बहुत ना लेआउट वगैरह आप देखोगे ना, अगर कंपेयर करोगे क्रेटा से, तो थोड़ा सा ना अलग नज़र आएगा आपको। बाकी अगर आप सेंट्रल कंसोल पे अगर नज़र मारोगे तो क्रेटा और इसका सेंट्रल कंसोल एकदम अलग है। इसका पूरा सेंट्रल कंसोल ना एकदम सिल्वर कलर में दिया गया है, और मुझे पता नहीं कि वो ये ग्लॉसी ब्लैक फिनिश से ना थोड़ा ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। वो अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है, आपको कैसा लग रहा है प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ग्लव बॉक्स के ऊपर आप ये जो थोड़ा सा स्पेस देख रहे हो, जहाँ पे मोबाइल वगैरह हम रखते थे, यहाँ पे अब इसने ना क्रोम का ट्रीटमेंट आपको कंपनी करके दे रही है। क्रेटा में क्रोम का ट्रीटमेंट यहाँ पे नहीं मिलता था, तो ये एक छोटा सा डिफरेंस मुझे यहाँ पे भी नज़र आया। अल्काज़ार फेसलिफ्ट आपको 6 सीटर और 7 सीटर दोनों ही कन्फिग्रेशन में देखने को मिलेगा। अब चलते हैं सेकेंड रो की बात करते हैं। अगर 6 सीटर कन्फिग्रेशन है तो सेकेंड रो में आपको अब आप यहाँ पे कैप्टन सीट्स देखने को मिलेंगी दोस्तों। और ये जो कैप्टन सीट्स हैं, अब आपको वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ भी देखने को मिलेंगी।
तो फ्रंट की दोनों और सेकंड रो की दोनों सीट आपको वेंटिलेटेड फंक्शन के साथ ऑफर करी जाती हैं। कैप्टन सीट्स का जो हेडरेस्ट है, अगर आप ध्यान देंगे तो ये पहले से और काफ़ी बढ़िया अब आपको ना हेडरेस्ट देखने को मिलता है। एक्सटेंडेड कुशन सपोर्ट आपको यहाँ दिया गया है। और एक और डिफरेंस मुझे यहाँ पे नज़र आया, वो है जो कैप्टन सीट्स का अंडर थाई सपोर्ट है ना, वो आप फिजिकली मैन्युअली एडजस्ट कर पाएंगे। सेकंड रो में अब आपको कैप्टन सीट्स के साथ साथ इंडिविजुअल आर्म रेस्ट भी देखने को मिलेंगे। ओल्डर कजार में यहाँ पे आपको एक सेंट्रल कंसोल दिया रहता था जिसमें टाइप सी का पोर्ट देते थे, थोड़ा सा स्पेस देते थे, आर्म रेस्ट देते थे, वो हटा दिया है। अब आपको सिक्स सीटर में वो देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। एक और डिफरेंस जो सेकंड रो में आपको देखने को मिलेगा वो है आपका बॉस मोड। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि आपको सेकंड रो से ही बॉस मोड, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल बॉस मोड देखने को मिलेगा, जिससे आप फ्रंट की सीट आगे पीछे अपने हिसाब से कर पाएंगे दोस्तों। बाकी पैनारोमिक सनरूफ तो आपको मिलती ही है, एम्बियंट लाइट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, और सेकंड रो में अब आपको ना ट्रे देखने को मिलेगी और ग्लास होल्डर देखने को मिलेगा, जो कि आप उस पर लैपटॉप वगैरह रख के यूज़ कर सकते हैं, चाहे तो खाना वाना भी खाना चाहे तो खा सकते हैं दोस्तों। इसी के साथ साथ सेकंड रो में दो टाइप सी के पोर्ट आपको चार्जिंग के लिए दिए गए हैं और थोड़ा सा मोबाइल स्पेस दिया गया है दोस्तों। एक और फीचर जो आजकल लगभग हर गाड़ियों में आ रहा है वो आपका सन ब्लाइंड्स। सेकंड रो में आप देखेंगे आपको यहाँ पे ना सन ब्लाइंड्स दिए गए हैं, हालांकि अब इस पे भी चलान कटने लगा है तो इसको आप जुजिशली यूज़ कीजिएगा। तो ये तो हो गया सेकंड रो का। अब एक बार थर्ड रो की अगर बात करी जाए ना, तो थर्ड रो में आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलेंगी। एक चीज़ मुझे अटपटी लगी वो है थर्ड रो में जो हेडरेस्ट दिया है वो ब्लैक कलर का कर दिया है, जो कि मुझे लगता है कि सेम कॉम्बिनेशन रखते तो ज़्यादा अच्छा लगता। बाकी रियर में आपको एसी के वेंट्स मिलते हैं, साथ ही साथ उनका एयरफ्लो कंट्रोल करने के लिए मिलता है, और आपको ना कप होल्डर भी थर्ड रो में मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट डिटेल्स अबाउट हुंडई अल्काज़ार फेस लिफ्ट, जो भी अब तक टीज़र में निकल के सामने आ रही है। बाकी इसका जो प्राइस की बात करी जाए तो प्राइस 9 सितंबर के बाद हमको पता चली जाएगा, और ऑब्वियसली जो ओल्ड जेन अल्काज़ार है उससे इसके प्राइस थोड़े से बढ़ के ही मिलेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।